And my YouTube channel is also be, you know, Alimuddin Sheikh Qadri. My dear friends, we have already discussed what are biomolecules. And there are different types of materials, those will simply be involved in biomolecules. Today we have discussed how can form the water in earth. So my dear friends, सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि इस पृथ्वी पर जल की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो आइए सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि मॉलिक्यूल क्या क्या रहे। मैंने पहले ही बताया है और कुछ धर्म ग्रंथों का भी मैंने मेरे पिछले जो मैंने अपलोड किया है उसमें मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि कुछ धर्म ग्रंथों में भी ये बताया गया है कि पंच तत्व से शरीर का निर्माण हुआ है। तो शरीर तो हमारी यूकैरियोट में आ जाती है, एक डेवलपिंग सेल में आ जाती है। तो माय डियर फ्रेंड, मैं आपको ये बताना चाहूंगा सेल से पहले क्या था, कोशिका बनने से पहले क्या बना था। कोशिकाएं तो तब बनी जब क्वेश्चन वेक्स बना, और क्वेश्चन वेक कब बना है, इसके पहले बना है। तो क्वेश्चन वेक बने हैं दो प्रकार के मॉलिक्यूलों से, क्वेश्चन वेक्स आर सिंपली फॉर्म ऑफ द टू टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। वन इज द मेजर एलिमेंट एंड अदर इज द माइक्रो एलिमेंट। पहला मैंने बताया कि मेजर एलिमेंट है और दूसरा मैंने बताया कि माइनर एलिमेंट है। तो या माइक्रो एलिमेंट या माइनर एलिमेंट। मेजर एलिमेंट का मतलब होता है ऐसे तत्व तो जो शरीर में ज्यादा मात्रा में पाए जाएं, जिनकी क्वांटिटी ज्यादा पाई जाए। और माइनर एलिमेंट या का मतलब होता है, या माइक्रो एलिमेंट का मतलब होता है जो सूक्ष्म हो, माइक्रो मीन शॉर्ट होता है सूक्ष्म, सूक्ष्म तत्व तो कौन कौन से पाए जा रहे हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि मैंने आपको इसके पहले जो बताया, कार्बोहाइड्रेट बताया है, फैट बताया है, लिपिड बताया है, प्रोटीन बताया है, आज मैं वाटर के विषय में आपको बताने चल रहा हूं। माय डियर फ्रेंड, ये आवश्यकता क्या पड़े इसको हम जान लेते हैं। कोशिका की उत्पत्ति जो भी हुई है यह वाटर में ही हुई है, क्योंकि आप इस बात को हमने बताया है आपको कि जिस समय पृथ्वी सूर्य से अलग हुई है, सूर्य का ही एक अंश है पृथ्वी, सूर्य का एक अंश है। और हमने पढ़ा है फिजिक्स में कि पृथ्वी जैसे सहस्त्रों गोले एक साथ सूर्य में समा सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर पृथ्वी जैसे सहस्त्रों गोले एक साथ सूर्य में समा सकते हैं, आप इस बात को अच्छी तरह से जान रहे हैं कि सूर्य कितना बड़ा होगा। माय डियर फ्रेंड्स, सूर्य के ताप के विषय मैंने पहले आपको बताया था, टेम्परेचर के विषय मैंने आपको बताया था कि 2 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड, कितना कहा मैंने, 2 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड सूर्य का ताप था। कब था, जब इस पृथ्वी पर जीव नहीं थे। और आज कितना है, सेम उतना। ऐसा नहीं है सूर्य लगातार ऊर्जा का उत्सर्जन करता चला जा रहा है और ये एनर्जी कम होती चली जा रही है, ऐसा कभी नहीं। इस पर कई वैज्ञानिकों ने कई बार शोध किया है और अंत में जाकर के इसी रिजल्ट पर पहुंचे जो मैं आपको बता रहा हूं। सूर्य जितनी ऊर्जा तब उत्सर्जित करता था उतनी ऊर्जा आज भी उत्सर्जित कर रहा है। सूर्य के ऊर्जा उत्सर्जन में कोई कमी नहीं आई है, अर्थात सूर्य की सतह का ताप 2 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड तब भी था, आज भी है और भविष्य में भी रहेगा। अब हम आप पूछेंगे कि सर आपको भविष्य की जानकारी कैसे हो गई, मुझे नहीं हो गई। मैं आपको बताना चाहूंगा कि पेयर प्रोडक्शन और पेयर इनिहिलेशन, युग्म उत्पादन और युग्म विनाशन की क्रिया जो सूर्य में चल रही है, यह क्रिया सूर्य की उत्पत्ति से शुरू हुई है और अनादिकाल तक चलती रहेगी, क्योंकि ये क्रियाएं लाइट एलिमेंटों का कॉम्बिनेशन, लाइट एलिमेंटों का कॉम्बिनेशन, लाइट एलिमेंटों का मिलना और उसके बाद लाइट एलिमेंटों का जो है टूट करके विघटित हो जाना, ये दोनों क्रियाएं लगातार एक बार मिल रहे हैं, एक बार टूट रहे हैं, एक बार मिल रहे हैं, एक बार टूट रहे हैं, एक बार मिल रहे हैं, एक बार टूट रहे हैं। मिलने और टूटने से लगातार ऊर्जा का उत्सर्जन हो रहा है, मिलने पर भी ऊर्जा का उत्सर्जन हो रहा है और टूटने पर भी ऊर्जा का उत्सर्जन हो रहा है। तो माय डियर फ्रेंड, अगर पेयर प्रोडक्शन, युग्म उत्पादन, युग्म विनाशन दोनों ही क्रियाओं में ऊर्जा का उत्सर्जन हो रहा है, यही रीजन है कि सूर्य में अगर जो भी क्रियाएं चल रही, लाइट रिएक्शन जो चल रहे हैं, चाहे वो न्यूक्लियर फ्यूजन का रिएक्शन हो, चाहे वो न्यूक्लियर फिजन का रिएक्शन हो,
चाहे फुजन का हो या फिजन का हो, चाहे विखंडन का हो या संलयन का हो, दोनों ही प्रकार की अभिक्रियाओं में सूर्य जो है, सूर्य में अगर दोनों प्रकार की अभिक्रियाएं चल रही हैं, फिर भी उसमें ऊर्जा का उत्पादन होता रहता है, एनर्जी उसमें फॉर्म होती रहती बनती रहती है। वही सूर्य की ऊर्जा हम तक लगातार पहुंच रही है, उसी एनर्जी को लेकर के हम और आप जो है आज जो है सारे कार्य को कर रहे हैं। माय डियर फ्रेंड, ये अभी मैंने अपने पिछले लेक्चर में आपको बताया है कि सूर्य से आने वाली ऊर्जा का सिर्फ हम 1% भाग जो है उसका यूज करते हैं और 99% भाग उसका जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाता है। माय डियर फ्रेंड, अगर इन फ्यूचर हमारे पास ऊर्जा का कोई स्रोत नहीं रहा तो ऐसी कंडीशन में सूर्य ही एक ऐसा ऊर्जा का स्रोत बचेगा जिसका उपयोग हम आसानी पूर्वक कर सकेंगे। आइए देखते हैं, सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि मैंने कहा कि आज का मेरा टॉपिक जो है कि बायोमालिक्यूल में फॉर्मेशन ऑफ वाटर कैसे हुआ है। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि बायोमालिक्यूल जो पाए जा रहे हैं, मैंने आपको बताया देयर आर टू टाइप्स ऑफ बायोमालिक्यूल्स आर सिंपली अकर इन द क्लाइमेट। व्हाट आर दिस? फर्स्ट इज द मेजर एलिमेंट, सेकंड इज द माइक्रो एलिमेंट। एंड मेजर एलिमेंट यू सी दिस है ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। हाउ मेनी एलिमेंट्स? 4 एलिमेंट्स। कितने तत्व हो गए? 4। कौन कौन से? ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। माय डियर फ्रेंड, इनकी अगर क्वांटिटी को देखा जाए, इनके अगर प्रतिशत मात्रा को देखा, कहां देखा जाए? किसी जीव में देखा जाए, कहां देखा जाए? किसी रुके हुए जलाशयों में देखा जाए, कहां देखा जाए? क्वेसर्वेट्स में देखा जाए, कहां देखा जाए? किसी प्रोकैरियोटिक सेल में देखा जाए, कहां देखा जाए? किसी यूकैरियोटिक सेल में देखा जाए। तो प्रोकैरियोट सेल से लेकर के यूकैरियोट सेल तक के बनने में, क्वेसर्वेट से लेकर के यूकैरियोट सेल तक के बनने में, ये 4 टाइप्स ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स ये उपस्थित रहते हैं। और आपने इसको आसानी पूर्वक पढ़ा है कि क्षित जल पावक गगन समीरा पंच रति प्रिया अधम शरीरा। आपने इसको पढ़ा है, क्षित जल पावक गगन समीर, 5 तत्वों से शरीर का निर्माण हुआ है। आइए उसको प्रूफ करते हैं साइंस से। यहां पर देखिए ऑक्सीजन और कार्बन अगर मिलेगा तो यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड ये बनाएगा, और यही कार्बन यहां पर कार्बन जो है नाइट्रोजन के साथ मिल रहा है या कार्बन हाइड्रोजन के साथ मिल रहा है, सिंपल सी बात है, मेथेन बनाएगा। अगर ये बायोमॉलिक्यूल में मेथेन बना रहा है, एथेन बना रहा है, प्रोपेन बना रहा है, इसी तरह से हेक्सेन भी बनाएगा और इसी तरह से ग्लूकोज का कॉम्प्लेक्स कंपाउंडों का फॉर्मेशन भी करेगा। सबसे पहले इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूलों का फॉर्मेशन करता है और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूलों के बाद जब ये इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल आपस में कॉम्बिनाइज हो जाते हैं, आपस में मिल जाते हैं, तो कॉम्प्लेक्स इनऑर्गेनिक कंपाउंड बनता है। और कॉम्प्लेक्स इनऑर्गेनिक कंपाउंड में जब जो है चेंजिंग होती है तो सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते हैं, और जब सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड बन जाते हैं हमारे फ्रेंड, तो यही सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है आपस में जुड़ करके, आपस में कॉम्बिनाइज करके कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो हमारे फ्रेंड, अगर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड कन्वर्ट हो गए तो इसका मतलब हो गया कि जटिल कार्बनिक यौगिक में बन गया, अर्थात ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मैनोज, सुक्रोज, डेक्सट्रोज, इस तरह से मॉलिक्यूलों का फॉर्मेशन कर रहे हैं, इस तरह से जो है यौगिकों का निर्माण कर रहे हैं। और यही यौगिक कैसे होते हैं जो क्वेसर्वेट्स का निर्माण करते हैं? तो आपकी समझ में बात आ गई होगी क्वेसर्वेट्स के निर्माण के लिए कौन कौन से तत्वों का उपस्थित होना जरूरी है। सो इस तरह से आइए देखते हैं। मैंने कहा कि यहां पर जो मेजर एलिमेंट है वह है कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये 4 एलिमेंट जिनको मेजर बायोटिक एलिमेंट बोला गया। क्या बोला गया? मेजर बायोटिक एलिमेंट बोला गया। और इसी मेजर बायोटिक एलिमेंट में अगर इनके टोटल परसेंटेज को देखें, ये आता है 95%। हाउ मेनी परसेंट? 95%। तो 95% एलिमेंट हो गए कार्बन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन के। कार्बन को पहले इसलिए कहा जाता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंडों में सबसे पहले कार्बन का निर्माण हुआ है, और यही कार्बन का निर्माण जो हुआ है, इसी कार्बन के निर्माण से आपने देखा कि ग्लूकोज का निर्माण हो रहा है, इसी कार्बन से आपने देखा फ्रक्टोज का निर्माण हो रहा है, यही कार्बन जो है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंडों का फॉर्मेशन कर रहा है। जैसे सिंपली मैं आपको बता दे रहा हूं, C6H12O6, C6H12O6, C6H10O5, C12H22O11। अब आपने देखा यहां पर बना है तो C6H
EC6H12 was glucose, fructose. यहाँ पर स्टार्च क्या बना ये स्टार्च, यहाँ पर बन रहा है जो है सुक्रोज, इसी को लैक्टोज भी कहा गया, सुक्रोज मीन चीनी, लैक्टोज या लार है सलाइवा, जो आपके बॉडी में आपके मुख में बनता सलाइवा। सो माय डियर फ्रेंड, इस तरह से ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड बने, और जब यही कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड बन गए तो इनका भी कॉम्बिनेशन हो गया और एक जेल लाइक स्ट्रक्चर, एक जेल लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हुए। जेल के बाद ये कन्वर्ट होंगे तो साल में कन्वर्ट होंगे, जेल के बाद अगर कन्वर्ट होंगे तो साल में साल गाढ़ा होता है, जेल हल्का होता है। अब ये जेल के बाद जो है ये साल में कन्वर्ट हो जाएंगे, जब ये साल में कन्वर्ट हो जाएंगे तो आपने देखा कि यही कंपाउंड मिलकर के साल में कन्वर्ट हो गए, और जब ये साल में कन्वर्ट हो जाएंगे तो यह जो इनका कॉम्बिनेशन होता है उसी को क्वेसरवेट्स नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? क्वेसरवेट्स। क्वेसरवेट्स इज द बिगिनिंग स्टेज ऑफ द प्रोकैरियोट्स। क्वेसरवेट्स इज द बिगिनिंग स्टेज ऑफ द प्रोकैरियोट्स। माय डियर फ्रेंड, यहां पर देखते हैं कि ये मेजर एलिमेंट में मैंने कहा कि ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, इनका मैंने परसेंटेज लिया तो ये आया 95%। माय डियर फ्रेंड, यहां पर आपने देखा किससे हम अमोनिया का भी निर्माण कर सकते हैं, प्रकृति में अमोनिया का भी निर्माण हुआ है। प्रकृति में आप देखिए H2O, इसी में कॉम्बिनेशन का बनाते चलिएगा, H2O का निर्माण हो गया। यहाँ पर आप देखिए CH4 मीथेन का भी निर्माण हो गया, ये ऐसे कंपाउंड है, H2O हो गया, NH2 हो गया, अमीन बन गया, इस तरह से आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि H2O का फॉर्मेशन हो रहा है तो कैसे हुआ, एक मेजर एलिमेंटों के कॉम्बिनेशन से, माने जल का निर्माण माइनर एलिमेंटों के कॉम्बिनेशन से नहीं हुआ या माइक्रो एलिमेंटों के कॉम्बिनेशन से नहीं हुआ, जल का निर्माण जो है वो मेजर एलिमेंटों के कॉम्बिनेशन से हुआ है। मेजर एलिमेंट में आपने क्या देखा, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन मैंने लिया मेजर एलिमेंटों में तो जल का निर्माण हो गया, मेजर एलिमेंटों में नाइट्रोजन को और हाइड्रोजन को लिया तो अमोनिया का निर्माण हो गया, अमीन जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को लिया तो अमीन का निर्माण हो गया, और कार्बन और ऑक्सीजन को लिया तो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हो गया, कार्बन और ऑक्सीजन के लिए कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण हो गया। ये भी गैस है उस समय बनी क्लाइमेट में, जो कि पेड़ पौधों के बनने के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी थी, पेड़ पौधों के भोज्य पदार्थों के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी थी, जिसके लिए मैंने यहाँ पर लास्ट में रिएक्शन दिया है। माय डियर फ्रेंड, आप देख सकते हो C6 यहाँ पर देखा, 6CO2 plus 12H2O in the presence of sunlight and chlorophyll they have formed the glucose plus 6O2 plus 6H2O। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है यहाँ पर ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो गया, ग्लूकोज के फॉर्मेशन से आशा यह होता है अब यहाँ पर भोज्य पदार्थों का निर्माण हो गया। तो इसको आप नोट करेंगे कि यहाँ पर जो है मेजर एलिमेंटों में कौन कौन से एलिमेंट रहे, तो अब इसके बाद तब हम आपको बताएंगे कि वाटर का फॉर्मेशन कैसे हुआ है। अब आप देखिए माइक्रो एलिमेंट पर आइए डिस्कस करते हैं। माइक्रो एलिमेंट मेजर मींस होता है बड़े, और माइक्रो मींस होता है छोटे, माइक्रो मींस होता है छोटे एलिमेंट। तो छोटे एलिमेंटों में आप देखिए माइक्रो एलिमेंट में कैल्शियम है, पोटेशियम है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, आयरन है, फास्फोरस है, क्लोरीन है, और सल्फर है, आयोडीन है। माय डियर फ्रेंड, इसको दो पार्ट में डिवाइड करें, 95% में आपने देखा 95% में मेजर एलिमेंट आ रहे हैं, क्लियर है। मैं अगर कोई पूछता है हाउ मेनी परसेंट आर अकर टू द क्लाइमेट इन मेजर एलिमेंट्स, आप बताएंगे 95%। कितने परसेंट मेजर एलिमेंट क्लाइमेट में रहे हैं? 95%। कब? जब पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति नहीं हुई थी, जब पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति नहीं हुई थी उस समय 95% जो है ये मेजर एलिमेंट थे। और यहाँ पर माय डियर फ्रेंड देखेंगे माइक्रो एलिमेंट में, माइक्रो एलिमेंट में मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि माइक्रो एलिमेंट में ये जो है, माइक्रो एलिमेंट का मतलब ये मत समझिएगा ये तत्व ही बहुत छोटे हैं, ऐसा नहीं है, ये तत्व बहुत ही कम मात्रा में पाए गए, ये सही है। तो आइए देखते हैं जो कम मात्रा में पाए जा रहे, इसीलिए सूक्ष्म भी है कम मात्रा में भी है, क्वांटिटी भी कम है, और जो है इनका जो है परसेंटेज भी कम है। देखिए कैसे कहा गया, परसेंटेज भी कम है, प्रतिशत मात्रा भी कम है इनकी। तो माइक्रो एलिमेंट में कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन, ये कितने हो गए? 2%। कितने हो गए? 2%। अंडर माइक्रो एलिमेंट में है फास्फोरस, क्लोरीन, सल्फर, आयोडीन, तो इनको मिला दिया तो 2.25 हो गया। अगर दोनों को ऐड कर दिया माय डियर फ्रेंड तो टोटल हो गए 4.25%। कितना हो गया? 4.25%। अब आप ऐड कर लीजिएगा 95 प्लस 4.25 हो गया
95 + 4.25 99.25, क्लियर। 99.25% ये जो है मेजर एलिमेंट और माइक्रो एलिमेंट ये क्लाइमेट में पाए गए। यहां तक क्लियर हो गया? अगर यहां तक कोई कंफ्यूजन हो तो आप इसको पूछ सकते हैं कि यहां पर मेजर एलिमेंट और माइक्रो एलिमेंट में दोनों को एक साथ ले लिया जा रहा है, तो मेजर एलिमेंट में ये आ गए हैं जिनका परसेंट मैंने बताया है 95%, और माइनर जो माइक्रो एलिमेंट पे आ गए हैं, माइक्रो एलिमेंटों को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। एक को कहा है कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम और आयरन, ये जो है 2% में आ रहे हैं, और दूसरा फास्फोरस, क्लोरीन, सल्फर और आयोडीन, ये 2.25% में आ रहा है। इसको माय डियर फ्रेंड, आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि इसको नोट करते चलिएगा, क्योंकि अलग अलग बुक में आपको ये कहीं नहीं मिलेगा कौन से एलिमेंटों का परसेंट कितना रहा है, सीधा लिख देगा कि इतने परसेंट में पाए गए। मैं आपको एक एक करके अलग अलग करके आपको बता रहा हूं, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप इसको नोट करते चलिएगा। तो यहां पर 2% और 2.25% ये पाए गए। अगर इन दोनों को ऐड किया कर दिया जाता है तो हो जाएगा 4.25%। अब टोटल परसेंट कितना हो गया माय डियर फ्रेंड, 95% मेजर के हो गए और माइक्रो हो गए 4.25। दोनों को अगर हम ऐड कर देते हैं माय डियर फ्रेंड, तो आ जाएगा 99.25%। बचा कितना? 0.75%। बचा कितना? 0.75। अब उसमें क्या रहे? उसमें अदर गैसेस एंड अदर एलिमेंट्स रहे, उसमें अदर गैसेस एंड अदर एलिमेंट्स रहे। अब अदर गैसेस और अदर एलिमेंट्स वे एलिमेंट है जिनका उपयोग कोशिका के लिए जब आवश्यकता पड़ेगी तो करेंगे और जब आवश्यकता पड़ेगी तो नहीं करेंगे। नहीं आवश्यकता पड़ने पर उसका उपयोग नहीं किया जाएगा, आवश्यकता पड़ने पर उसका उपयोग किया जाएगा। तो माय डियर फ्रेंड, इस तरह से आपने देखा कि मैंने मेजर एलिमेंट और माइक्रो एलिमेंट दोनों एलिमेंटों के विषय में बताया, जो कि बायोटिक एलिमेंट है यार, बायो मॉलिक्यूल्स हैं। ये बायो मॉलिक्यूल्स को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, जिनके परसेंट मैंने बता दिया, और इनका कॉम्बिनेशन से मैंने बता दिया। अगर इनऑर्गेनिक के कॉम्बिनेशन है, इनऑर्गेनिक के कॉम्बिनेशन बताया, अमीनो बनता है, अमोनिया बनता है, जल बन गया, मेथेन बन गया, और आज का हमारा शीर्षक जल कैसे बना है, इसको आपको क्लियर करो आप जल कैसे बना है। और माइक्रो में आपने देखा कि ये कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन का 2% और फास्फोरस, क्लोरीन, सल्फर, आयोडीन का 2.25%, ये हो गया टोटल। अगर ऐड कर देंगे इन दोनों को तो आ जाएगा 4.25%। इनको अगर हम 95% में ऐड करेंगे ये हो जाएगा 99.25%। अभी बस कितना रहा है? 0.75%। तो जो 0.75% है वो अदर एलिमेंट्स हैं। माय डियर फ्रेंड, आइए अब हम आगे डिस्कस करते हैं कि जो है किस तरह से वाटर का फॉर्मेशन, किस तरह से वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है और कैसे हो रहा है, ये देखा जाए एक एक करके। तो मैंने ये भी आपको क्लियर कर दिया है, कि ये वाटर का जो है कॉम्बिनेशन जो हो रहा है, अगर ये वाटर का कॉम्बिनेशन ना हुआ होता तो पेड़ पौधे भोज्य पदार्थों का निर्माण ना किए होते। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर देख रहे हैं आप, यहां पर 6CO2 + 12H2O कितने मॉलिक्यूल लिए गए? 12 मॉलिक्यूल लिए गए। अगर ये 12 मॉलिक्यूल को हटा दिया जाए, वाटर को हटा दिया जाए, क्या पेड़ पौधे अपना भोजन बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। अर्थात पेड़ पौधों का अगर अस्तित्व नहीं रहेगा पूरे क्लाइमेट में, क्या हमारा और आपका अस्तित्व रहेगा? बिल्कुल नहीं रहेगा। इसलिए हम पेड़ पौधों से के ऊपर निर्भर हैं और पेड़ पौधे हमारे ऊपर हैं। हम उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, वे हमें ऑक्सीजन देते हैं, और हमारे और पेड़ पौधों के बीच, हमारे और वनस्पतियों के बीच एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग है जो कि अपरोक्ष है, जिसको हम चाह करके नहीं, अनचाहे में दे रहे हैं, वे भी अनचाहे में दे रहे हैं, लेकिन लाभ दोनों का हो रहा है, लाभ दोनों का हो रहा है। पेड़ पौधों का भी लाभ हो रहा है तो ह्यूमन बीइंग्स का भी लाभ हो रहा है, अदर एनिमल्स का भी जो बेनिफिट हो रहा है। इस तरह से अदर एलिमेंट्स का डेवलपमेंट के लिए आपने देखा कि वाटर का होना नितांत आवश्यक है। यदि भोजन का निर्माण नहीं हुआ होता, ग्लूकोज का निर्माण नहीं हुआ होता, तो माय डियर फ्रेंड आज कोई पेड़ पौधों का अस्तित्व इस पृथ्वी पर नहीं होता, क्योंकि यही ग्लूकोज है जिसके कंप्लीट कंबस्शन से, सिंगल मोल ऑफ ग्लूकोज के कंप्लीट कंबस्शन से 38 ATP एनर्जी का फॉर्मेशन होता है।
38 ATP ऊर्जा का निर्माण होता है, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया है, आपको बताया है, अपने जो ऑलरेडी मेरे चैनल पर ये अपलोड है, जिसमें मैंने क्लियर किया है कि 38 ATP में 8 ATP ग्लाइकोलाइसिस से होता है और 30 ATP क्रेब्स साइकिल से होता है। तो 8 ATP जो ग्लाइकोलाइसिस से है और 30 ATP जो क्रेब्स साइकिल से है, दोनों को अगर एक साथ ऐड कर दिया जाए तो सिंगल मोल ऑफ ग्लूकोज से टोटल 38 ATP एनर्जी होती है। माय डियर फ्रेंड, इस तरह से ढेर सारी ऊर्जा का उत्पादन करते रहेंगे, ढेर सारी ऊर्जा का निर्माण करते रहेंगे और इन्हीं ऊर्जा के निर्माण से पेड़ पौधे जो है वो अपना जीवन चलाते रहते हैं और वे हमको अपने जीवन चलाने की पद्धति में हमको ऑक्सीजन देते हैं और हम उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। जितने भी मेजर कैटेगरी के एनिमल्स हैं, मेजर कैटेगरी के एनिमल्स हैं, जिनके लंग्स में एल्वियोलाई पाया जा रहा है, जिनके लंग्स में एल्वियोलाई पाया जा रहा है, वो जितने भी मैमल्स हैं, स्तनधारी हैं, सब के सब ऑक्सीजन को ले जो है ऑक्सीजन को ले रहे हैं और ऑक्सीजन ही ऐसा एलिमेंट है जो हमारे बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव मटेरियल जो फूड मटेरियल हम ले रहे हैं उसके कंप्लीट कंबस्शन में ऑक्सीजन ही भाग लेता है, उसके कंप्लीट कंबस्शन में ऑक्सीजन ही भाग लेता है, उसके पूर्ण दहन में ऑक्सीजन ही भाग लेता है। ऑक्सीजन उसका कंप्लीट कंबस्शन करता है, जब ऑक्सीजन उसका कंप्लीट कंबस्शन करेगा तभी जाकर उससे एनर्जी मिलेगी। माय डियर फ्रेंड, यहां पर आपने देखा कि मैंने आपको बताया इस तरह से जो ऑर्गेनिक कंपाउंडों का फॉर्मेशन हुआ, जब ये ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो गया तो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट भी मैंने आपको पढ़ाया डीएनए और आरएनए में, फिर मैं आरएनए का लेक्चर जो है अपना नेक्स्ट लेक्चर आरएनए पर देंगे आपको, फिर यहां पर आप देखिएगा कि अभी मैंने आरएनए पर एक लेक्चर दिया है, अब जो आरएनए पर लेक्चर देंगे वो हायर क्लासेस के लिए होगा, लोअर क्लासेस के लिए नहीं होगा, 11th 12th के लिए होगा और हायर स्टडी के लिए जो स्टूडेंट्स के लिए होगा, नीट वाले बच्चों के लिए होगा और एम्स वाले बच्चों के लिए होगा। इस तरह से आप केमिस्ट्री में अगर चलेंगे तो वहां पर जो है जेई के बच्चों के लिए होगा। तो इस तरह से आपने देखा जो भी हम बोलेंगे अब इसके बाद की हमारी आरएनए की जो थियोरी होगी वो हायर कैटेगरी की थियोरी होगी और वह थियोरी किस प्रकार से आएगी उसका भी हम डिस्कस करेंगे। आज पहले वाटर का जो है एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इस तरह से आपने देखा कि हमने अभी उपयोगिता सिर्फ आपको बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की क्या उपयोगिता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो क्लाइमेट में मेजर एलिमेंटों के कॉम्बिनेशन से बना है उसकी क्या उपयोगिता है और माइनर एलिमेंटों में देख लीजिएगा आप लोग, कैल्शियम क्लोराइड है, कैल्शियम सल्फेट है, कैल्शियम नाइट्रेट है, सोडियम सल्फाइड है, सोडियम नाइट्रेट है, जो मैग्नीशियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम नाइट्रेट है, फेरस सल्फेट है, फेरिक सल्फेट है, फेरस क्लोराइड है, फेरिक क्लोराइड है, ऐसे इनऑर्गेनिक कंपाउंड है जो बने लेकिन जिनका यूज बॉडी में बहुत ही कम रहा। इसीलिए मैंने कहा कि ये माइक्रो में माने इनकी मात्रा सूक्ष्म है और सूक्ष्म रूप से बॉडी में लिए जा रहे हैं। तो टोटल परसेंट आपने देखा ओनली 4.25% में बॉडी में यूज किया जा रहा है और ये 95% बॉडी में यूज किया जा रहा है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं आपको वाटर के विषय में। माय डियर फ्रेंड, अगर हम सिर्फ पानी के उत्पादन की व्याख्या करें, जल के उत्पादन की व्याख्या करें, वाटर का फॉर्मेशन कैसे हुआ है, तो यह एक अगर हम ये कहें कि हम इसको अपने एक लेक्चर में पूरा कर देंगे तो माय डियर फ्रेंड यह एक जो है सिर्फ और एक अतिशयोक्ति होगी। जल का निर्माण पृथ्वी पर कैसे हुआ है या इसको फुल एक्सप्लेन करने के लिए हमको कम से कम 2 पीरियड का टाइम चाहिए। फिर भी मैं आपको छोटे से समय में जल की उत्पत्ति कैसे उसकी व्याख्या करने चल रहे हैं। आप देख सकते हैं यहां पर मैंने लिखा है HOH, यहां पर बॉन्ड एंगल है, बॉन्ड एंगल को ध्यान में रखिएगा, बॉन्ड एंगल नेसेसरी होता है 104.5 डिग्री। ये क्लियर हो गया। अब ये देखिएगा अगर हम H2O को ब्रेक डाउन करते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये बनता है H+ OH-, किसमें बनता है हमारी फ्रेंड, एक केमिस्ट्री का कंपाउंड है। किसका कंपाउंड है? केमिस्ट्री का कंपाउंड है। आइए बायो के रूप में देखा जाए तो अगर ये H2O का कंपोजिशन होता है तो यहां पर बनेगा H+ मीन्स ट्वाइस H+, दो H+ प्लस ½O2-। ध्यान दीजिएगा ट्वाइस H+ ½O2-। माय डियर फ्रेंड आपको बता दें इस रिएक्शन को अगर हम तोड़ करके समझाना चाहेंगे तो 24 स्टेप्स हैं, अर्थात 24 स्टेप के पश्चात यह रिएक्शन कंप्लीट होगा। आप इतना इजी में मत लीजिए कि पेड़ पौधे जो ऑक्सीजन लेते हैं वो आसानी से ले लेते हैं,
जल से निकली हुई ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड बना देते हैं, ऐसा आप कह सकते हैं। लेकिन अगर एक्सप्लेनेशन के लिए दिया जाए ये जो टॉपिक आपके लिए काफी डिफिकल्ट होगा। तो यहां पर ये जो रिएक्शन आया है इसको भी आपने देखा, रूबेन हासिद और कॉमेन ने जो लिया था वाटर को लिया था और वाटर में उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि यहां पर जो वाटर का है इसका मॉलिक्यूल है कौन सा मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन 818 ही जाकर के कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में बाहर निकल रहा है। तो वहां पर और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का कॉम्बिनेशन हुआ, ग्लूकोज का निर्माण हो गया। तो श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन जो निकल रही है वह कार्बन डाइऑक्साइड की है या जल की है, माय डियर फ्रेंड वह जल की ऑक्सीजन है। तो आइए देखते हैं वाटर का फॉर्मेशन, इसके विषय में थोड़ी सी थियरी में आपको बताना चाहता हूं। कॉस्मोजोइक थियरी में ले चलते हैं आपको, ब्रह्मांडवाद में ले चलते हैं आपको, ब्रह्मांडवाद में ले चलते हैं, ब्रह्मांडवाद, ब्रह्मांड में क्या क्या बने, बिना ब्रह्मांड के किसी की रचना नहीं हुई, इस बात को ध्यान में रखिएगा। या हमारी थियरी ऑफ इवोल्यूशन मैंने आए के थियरियों को बोला है, उसी में मैंने ब्रह्मांडवाद भी बोला है जिसको एक्सेलरेटर ने दिया था। आइए देखते हैं ब्रह्मांडवाद की थियरी में क्या बोला गया। ब्रह्मांड में सबसे पहले वे और कंपाउंड बने जो मेजर थे, मेजर मीन्स जो आपने देखा 95% में थे, उसमें आपने देखा ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, फोर एलिमेंट्स हैं जिनका परसेंट मैंने बताया कि कितना है 95%। आइए माय डियर फ्रेंड देखते हैं, वाटर एक पोलराइज्ड सॉल्वेंट है, जल एक ध्रुवीय विलायक है। क्या है, ध्रुवीय विलायक। कैसे हो गया, अगर इसको हम तोड़ देते हैं तो एक बार एस प्लस ओ एच माइनस बनता है, जाहिर सी बात है एस प्लस ओ एच माइनस आयनों को अगर फ्रीली छोड़ दिया जाए एक अलग अलग पोलों पर, इस तरह से अगर आपको देखा जाए यहां पर देखिएगा इसको अलग अलग पोलों पर ऐसे हम ले रहे हैं, ऐसे ले रहे हैं, तो यहाँ पर एक साइड में एच प्लस एच प्लस एच प्लस, माने यहाँ पर आप देखेंगे एक साइड में और दूसरे साइड में ओ एच माइनस, आपने देखा ये इनका कॉम्बिनेशन हो रहा है। तो पृथ्वी का आकार जो है वो ओवल शेप्ड है, न कि स्फेरिकल है। पृथ्वी का आकार जो है वो अंडाकार है, न कि गोलाकार है। अगर इसका आकार अंडाकार है तो आपने देखा कि ध्रुव पर अर्थात किनारों पर इन्हें पोलराइजेशन हो, जल को जब भी हम जो है डिजोल्व करते हैं और उसको डिकम्पोज करने का प्रोसेस करते हैं, डिजोल्व करने के बाद हीट करके डिकम्पोज करने का प्रोसेस करते हैं, तो जैसे हम उसको डिकम्पोजिंग प्रोसेस में ले जाते हैं वो टू टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलों में डिकम्पोज हो जाता है, एच प्लस प्लस ओ एच माइनस, जो एक दूसरे से दूर जाते हैं। माय डियर फ्रेंड अब आप ये क्वेश्चन एनालाइज करेंगे जो केमिस्ट्री के बच्चे होंगे, भाई अपोजिट चार्ज में अट्रैक्शन होता है, अपोजिट चार्जेस में अट्रैक्शन होता है, तो एच प्लस ओ एच माइनस में अट्रैक्शन होना चाहिए था। तो माय डियर फ्रेंड मैं ये कह रहा हूं H2O को मैंने हीट किया है और हीट करने के बाद एच प्लस और एच माइनस दोनों सेपरेट हो गए, और ये जो दोनों सेपरेट हुए हैं ये दोनों दूरी बन गई, इनके बीच डिस्टेंस बन गई। फिर जब इनका काम डिस्टेंस बना लिए और ये वेपर में कन्वर्ट होकर के चले गए क्लाइमेट में, जब ये क्लाइमेट में चले गए तो इनका टेम्परेचर क्या हुआ, धीरे धीरे सेटल डाउन हुआ, धीरे धीरे ठंडा हुआ इनका टेम्परेचर। जब इनका टेम्परेचर ठंडा हो गया तब इनका कम हो गया, माय डियर फ्रेंड फिर ये क्या किया आपस में कॉम्बिनाइज कर गए, क्या किए आपस में कॉम्बिनाइज कर गए। जब इनका आपस में कॉम्बिनेशन हो गया, आपस में ये कॉम्बिनाइज कर गए, तो कॉम्बिनाइज करके फिर से इन्होंने वाटर को फॉर्म किया। तो आपने देखा वही जल जो पृथ्वी पर बना था वही जल आकाश में पहुंच रहा है वेपर के रूप में, वहां पर कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है, वहां पर संघनन की क्रिया होती है, और संघनन की क्रिया के बाद वही जल वर्षा जल के रूप में फिर से पृथ्वी पर आता है, फिर से वेपराइजेशन होता है। इस प्रकार से जल का एक चक्र लगातार चलता रहता है। अब तो मैंने सीधा चक्र बता दिया, अब आइए अलग से एक स्टेप थोड़ा सा हट कर चलते हैं। वाटर का वाटर जो है वो सॉइल पर, जमीन पर, पृथ्वी पर, पॉन्ड्स में, पूल्स में, डिचेज में, ड्रेन में, स्लो फ्लो रनिंग वाटर में, रिवर में, ये सब वाटर फिलअप हुआ है, वहां से वाटर जो का वाटर को सक कर रहे हैं। कौन सक कर रहा है, पेड़ पौधों से रूट्स के द्वारा वाटर को सक किया जा रहा है, पेड़ पौधों की जड़ों के द्वारा वाटर को सक किया जा रहा है, वाटर को लिया जा रहा है, और जब ये वाटर को लिया गया तो ये जो है भोज्य पदार्थ के रूप में पहुंचे, धीरे धीरे जो है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के रूप में पहुंच गए पत्तियों तक, पत्तियों ने क्लोरोफिल उपस्थित है और सनलाइट जब उनको मिली इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल और सनलाइट के साथ दोनों क्रिया करके रिएक्शन करके वहां पर ये ग्लूकोज का निर्माण कर दिए, और ग्लूकोज का फिर से कॉम्बिनेशन जो है डिकम्पोजिशन होता है और ऑक्सीजन अलग हो जाती है।
और फिर ऑक्सीजन बाहर आ जाती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जब ये पोन्स में पुल्स में डिशेज में ड्रीम में ये स्टोरेज है तो यहाँ पर ये वाइपराइजेशन होगा, पावर ऑफ वाइपराइजेशन होगा वाष्पीकरण किसके द्वारा, थ्रू द हीट, सूर्य के प्रकाश की उष्मा से। जैसे कपड़े को आप डाल देते हैं, कपड़ा सूख जाता तो वाटर गया कहां, वाइपर गई कहां, सब क्लाइमेट में चली गई। आप जो है भीगे कपड़े को डाल देते हो और कपड़ा सूख जाता है तो आखिर उस कपड़े का जल गया कहां, वो तो क्लाइमेट में निकल गया ना। अब वो क्लाइमेट में जो निकला वाटर जो वायुमंडल में चला गया वो वेपर के रूप में गया, वाष्प के रूप में गया, और यहां लिक्विड फॉर्म में था, उसने अपने स्टेट को चेंज किया, लिक्विड से गैसियस स्टेट में आया और गैसियस स्टेट से फिर डिकम्पोजिशन की क्रिया, सॉरी गैसियस स्टेट से फिर जो है उसमें कंडेंसेशन की क्रिया हुई, संघनन की क्रिया हुई, जिसको हमने कहा कि क्लाउड फॉर्मेशन है, बादल का निर्माण है, वहां पर कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है और कंडेंसेशन के प्रोसेस से फिर H2O बनती है। और जब ये H2O के माइन्यूट मॉलिक्यूल बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल माइक्रो मॉलिक्यूल बनेंगे तो इनका आपस में कॉम्बिनेशन होगा, जब ये आपस में जुड़ेंगे माय डियर फ्रेंड इनकी डेंसिटी बढ़ जाएगी, सॉरी इनका जो है वेट बढ़ जाएगा, जब इनका भार बढ़ेगा तो ये धीरे धीरे नीचे आना शुरू करेंगे और यही वर्षा जल की बूंदों के रूप में फिर से जमीन पर आ जाएंगे। तो जमीन से निकले थे और क्रिया के द्वारा जमीन पर फिर से आ गए और इस तरह से इनका चक्र लगातार चलता रहता है और अनवरत लगातार ये पूरी पृथ्वी पर अनंत काल तक चलता रहेगा। तो यह एक ऐसी प्रक्रिया है जल के निर्माण की जो कि इनऑर्गेनिक एलिमेंटों के कॉम्बिनेशन से हुई और इनऑर्गेनिक एलिमेंटों का जब कॉम्बिनेशन हुआ तो जल का निर्माण हुआ और जल जो है बने और इस तरह से आए। आपने देखा आज हम जल के विषय में कहते हैं, जल के विषय में अगर हम सामान्य सी जानकारी लेना चाहते हैं, एक सामान्य कोशिका में 65% वाटर होता है, कितना लिखा नोट करिएगा, सामान्य कोशिका में 65% वाटर होता है, सामान्य कोशिका में अगर 65% वाटर होता है। और माय डियर फ्रेंड आपको दूसरी बात मैं ये बताना चाहूंगा, ये तो सामान्य कोशिका में हो गया, अगर प्लांट के इक्वाटिक प्लांट को लिया जाए तो इक्वाटिक प्लांट में इनकी मात्रा जो होती है वो 99% तक होती है। वाटर कितना होता है 99%, जलीय पौधों में जल की मात्रा 99% वाटर होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये वाटर जो है उनमें है और शुष्क पादपों में लिया जाए, ड्राई प्लांट्स जैसे जेरोफिटिक प्लांट में लिया जाए, हर पौधे को जीवित रहने के लिए जल की आवश्यकता है। अगर जेरोफिटिक समझ रहे हैं ना, जेरोफिटिक मतलब होता है मरुस्थली पौधे, ठीक है, मरुस्थली जो जीरोफिटिक है, अगर जीरोफिटिक प्लांट को लिया जाए उसमें 12% कितना कहा मैंने 12% वाटर की आवश्यकता होती है, अर्थात वाटर इज नीडेड इन ऑल कैटेगरीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, विदाउट वाटर आवर लाइफ कैन नॉट बी सर्वाइव, बिना जल के हमारा जीवन जो है संचालित नहीं हो सकता। तो माय डियर फ्रेंड इसीलिए कहा गया कि जल ही जीवन है, और जब आपने देखा कि लिखा भी रहता सेव द वाटर लिखा रहता है कि जल को आप व्यर्थ ना गवाएं, उसको आप सुरक्षित करें, क्योंकि हमारे फ्यूचर के लिए है, भविष्य में वो के लिए है, भविष्य की गतिविधियों को ध्यान में रख करके लिखा जा रहा सेव द वाटर। और अगर हम आरओ वाटर यूज करते हैं तो माय डियर फ्रेंड ध्यान दीजिएगा, एक बोतल जो आप आरओ वाटर लेते हैं 20-30 रुपीज का जो भी है, आप एक बोतल अगर आरओ वाटर लेते हैं, क्या आपको पता है कि 1 बोतल आरओ वाटर लेने में कितना वाटर जो है डिस्ट्रॉय होता है, लगभग 20 लीटर से लेकर के 35 लीटर वाटर जो है वो डिस्ट्रॉय होता है, फिल्टर किया जाता है, तब कहीं जाकर के सिंगल जो है लीटर 1 लीटर वाटर जो है वो आरओ वाटर क्लियर होता है। तो एक लीटर आरओ वाटर को लेने के लिए इतने लीटर जल को व्यर्थ रूप में बहाया जाता है, और वे वाटर को हम करते क्या, उस वाटर को स्टोर करते हैं, स्टोर करके जैसे कपड़े को का धोना हुआ, वॉशिंग ऑफ क्लॉथ्स कपड़े का धोना हुआ, या घरेलू अपमार्जक घरेलू जो पदार्थ हैं उनकी साफ सफाई के लिए आसानी से उस जल का उपयोग कर सकते हैं। तो यह हम इसीलिए बोला गया सेव द वाटर, क्या बोला गया सेव द वाटर। तो मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी अपने यूट्यूब चैनल अलीमुद्दीन शेख कादरी के माध्यम से आज मैंने जो है बायो मॉलिक्यूलों में जल के निर्माण की विधि और इसकी उपयोगिता को मैंने आपको बताया है,
मैं अलीमुद्दीन से कादरी आपसे फिर एक बार रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जिन लोगों ने मेरे चैनल को अलीमुद्दीन से कादरी, हमारा यूट्यूब का चैनल है, जिन लोगों ने मेरे यूट्यूब के चैनल को अभी अब तक सब्सक्राइब ना किया हो, माय डियर फ्रेंड, मेरा आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, आप सभी लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। मैंने पहले भी कहा था और रेगुलर आपको बता भी रहे हैं कि ये मेरा जो लेक्चर लगातार चलता रहेगा और ये लेक्चर जो लगातार चलता रहेगा, आप इस बात का ध्यान रखेंगे, मैं नए नए टॉपिक को हमेशा अपलोड करता रहूंगा। तो मैं अलीमुद्दीन से कादरी अपने YouTube चैनल अलीमुद्दीन से कादरी के माध्यम से जो मैंने लेक्चर दिया है, और मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और इसी के साथ आज के टॉपिक को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। थैंक यू।